बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हाँ हम लोग गतकल्ला श्रवण कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी उपदेशा मृत में एक लोगों को उच्चारण करते हैं। जब गुरुदेव जब कहीं कहीं क्लास दिया करते थे अगर थोड़ी सी समय में सारे शास्त्र का सिद्धांतों को अगर बताना चाहते हैं तब वो एक श्लोक में सारे सिद्धांत आ जाते हैं। एक श्लोक में ही सारे शास्त्र का जो सार केवल एक श्लोक में ही आ जाते हैं। इसलिए गतकल हम श्रवण कर रहे थे उस श्लोक क्या है बोले तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु क्रमीण रसना। मंथन करेंगे तो अगर उसमें मक्खन निकलेगा तो मक्खन क्या है कभी भगवान का नाम देखना हमारे को होगी तो बोले भैया इसका मीमांसा कौन करे। बोले जिनका ग्रंथ है चलो उनको पास में चलते हैं। बोले ये ग्रंथ किसके हैं ये ग्रंथ रामायण को सर्वप्रथम किसने इसको रचना की है। बोले श्री शंकर जी सबसे पहले ही रामायण को रचना करके उन्होंने अपना हृदय में धारण किया। फिर उन्होंने ये कथा को पार्वती को सुनाते हैं। फिर यही कथा श्री काक भूषण श्री गौरव जी को सुनाते हैं। अरे यही कथा अरे एक ऋषि जाके बल कोई ऋषि है फिर ये कथा को बोलते हैं। बोलते ये रामायण का मूल मालिक कौन है बोले श्री शंकर जी। बोले जिनकी ग्रंथ है चलो हम उनको पास में चलते हैं वे ये चीज के विचार करेंगे। जब श्री शंकर जी को पास में पहुंचे बोले भैया लड़ाई झगड़े का कोई है कोई बात नहीं तुम तीनों बैठ जाओ अब इन तीनों में मैं ये सबको बंटवारा कर दूंगा। बोले इसमें कितना श्लोक था बोले 1,00,000 श्लोक है रामायण में 1,00,000 श्लोक है। बोले तीनों बैठ जाओ। जब तीनों बैठ गए शंकर जी बंटवारा करवाया पहले उन्होंने 30,00,000 और 30,00,000 बांट दिए। कितना रहेगा बोलो कितना बाकी रह जाएगा। हाँ नहीं 1,00,000 था ना 30,000 बंटवा करके कितना रह जाएगा है रह जाए 10,000। फिर 10,000 को उन्होंने फिर 3,000 बांट दिए कितना रह जाएगा कितना रह जाएगा 1,000। फिर 1,000 को उन्होंने 300 और 300 बंटवा कर दिया कितना रह जाएगा 100। 100 को फिर उन्होंने 30 30 30 फिर कितना रह जाएगा कितना रह जाएगा 10। फिर 10 को उन्होंने बंटवार करवाया फिर उसमें 3 3 3 अब कितना बाकी रहेगा 1। कहते एक श्लोक में उसमें 3 चरण होता है एक श्लोक में 4 चरण होता है। 4 चरण समझते हो जैसे धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र की एक चरण है समवेत युधिष्ठिर की एक चरण है। बोले मान मामा कहा पांडवाश्चर्य ये एक चरण है। फिर टीम अकुर्बन संजय ये एक चरण है। अभी एक श्लोक में 4 चरण है फिर उन्होंने 4 चरण को बंटवारा करवाया एक चरण एक चरण एक चरण अभी बच गया एक चरण। अभी एक चरण में 8 अक्षर होता है फिर उन्होंने 8 अक्षर को बंटवारा करवाया फिर 2 2 2 कितना बचेगा बच गया 2। तब कहते ये 2 क्या है बोले राम नहीं तो कृष्ण राम नहीं तो कृष्ण। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतने परिश्रम किया है अरे मुझे तो कुछ मिलनी चाहिए ना। बोले कम से कम ये 2 अक्षर मुझे दे दो। अरे शंकर जी अपना कंठ में उन्होंने ये 2 अक्षर को उन्होंने धारण कर लिया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले महामंत्र जय जप तमहेशा काशी मुख
कोई कोई व्यक्ति अंतिम श्वास मतलब शरीर छोड़ने के लिए काशी जाते हैं। शंकर जी अंतिम समय जो मरता है काशी में उनको कानव में उन्होंने ये प्रभु का नाम बोल देते हैं, राम नहीं तो कृष्ण। जब ये नाम बोल देते हैं बस इसी नाम से जीव को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये सारे शास्त्रों को अगर मंथन करेंगे तो अगर मक्खन निकलेगा तो क्या मक्खन निकलेगा, भगवान का नाम ही मक्खन निकलेगा। मतलब है अगर सारे शास्त्र को पढ़ लिया भगवान का नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो समझना तुम्हारी पढ़ना सब बेकार है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं किया अगर तुम्हारी प्रभु का नाम में केवल तुम्हारी रुचि हो गई भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई फिर तो ये समझना तुम्हारे सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़ना तुम्हारे साथ करता हुआ है। इसलिए भागवत में भी देखो जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं वो भी भगवान का नाम से ही प्रारंभ करते हैं और जब भागवत को समाप्त करते हैं विश्राम करते हैं बोले भगवान का नाम को द्वारा विश्राम करवाते हैं। शुरुआत भी भगवान के नाम से और विश्राम भी भगवान का नाम से। जब वो शुरुआत करते हैं कहते एतद् विद्यमानानाम् इच्छताम् अकोतभयम् योगिनाम् निपनिर्मित हरे नामानुकीर्तन। यहाँ से प्रारंभ किया इसका मतलब क्या है बोले एतद् विद्यमानानाम् अगर कोई संसार से संपूर्ण रूप में मुक्त हो गया है एतद् विद्यमानानाम् दूसरा इच्छताम् अकोतभयम् अगर जीवन में कोई अभय बनना चाहते हैं बोले योगी नाम निपनिर्मित जितने योगी हुए हैं वो लोगों ने सिद्धांत को स्थापन किया है। क्या स्थापन किया हरे नामानुकीर्तन हरि का जो नाम कीर्तन ही यही कलयुग का सबसे सरल उपाय है सबसे भगवत प्राप्ति का यही सबसे सरल उपाय है कलयुग में। लेकिन जब भागवत का अंतिम विश्राम करवाते वो कौन सा श्लोक में बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है। क्या बोलते हैं बोले नाम संकीर्तनम जस्य मतलब भगवान का नाम कीर्तन से ही बोले सर्व पाप प्रणाशन जीवन का जितने सारे पाप कैसे समाप्ति होगी बोले भगवान की नाम को द्वारा ही तुम्हारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री दशरथनागर पहले वाल्मीकि दशरथनागर थे वो इतने बड़े पापी थे जब श्री नारद जी को साथ में मिले नारद जी बोले राम बोलो उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला तो बोले तू बोलता था मारो 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 मार डाको जाना तो बड़ा बड़ा तो बोल सकते हो हाँ बोलो बड़ा बड़ा तो बोल सकता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मनवाई। अगर वो उल्टा नाम जप करते करते आप लोग मरा 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 बोलो देखना अपने आप सीधा हो जाएगा जैसे मरा 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 अपने आप राम राम हो जाता है। अगर वो उल्टा नाम जप करते करते अगर सीधा हो गया अगर वो दशरथनागर से अगर वो वाल्मीकि बन सकता है अगर हम सीधा नाम करें तो। इसलिए गोस्वामी ने एक उदाहरण देकर समझाया आपने कभी खेती में बीज बोए हो कभी खेती में कभी बीज बोए हो कौन कौन बीज बोए खेती में मिट्टी में कौन कौन बीज बोए बोए आप देखना खेती में जब बीज बोते हैं ना जैसे धान है गेहूँ है आप लोग तो शहर में पहले बड़े हुए हो जो गांव के वो जानते हैं जब गेहूँ को खेती में बोते हैं कैसे ऐसे से फेंक देते पूरा जमीन में ऐसे से फेंक देते ऐसे से फेंक देते। लेकिन वो जो बीज भले ही उल्टा पड़े बड़े सीधा पड़े भले ही वो बीज करवट से पड़े लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है वो पेड़ कैसा होगा
वो पेड़ सीधा निकलेगा, भले ही उल्टा गिरे हैं, भले ही टेढ़े होकर गिरे, लेकिन निकलेगा कैसे, वो सीधा निकलेगा। उसी तरह भगवान का नाम अगर किसी तरह से भी मुंह से निकल जाए, भगवान का नाम जीव की कल्याण कर देता है, सारे जन्म जन्मांतर का पाप को ये नष्ट कर देता है भगवान का नाम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम न सकई नाम गुण गाई। इसलिए नाम की इतने महिमा है, बोले राम न सकई नाम गुण गाई, भगवान राम ही स्वयं अपना नाम की महिमा को, भगवान नाम राम ही नाम की महिमा को गा नहीं पाते हैं। इसलिए गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाया करते थे, बोले जिस समय भगवान राम अभी लंका की जय के लिए जाएंगे, भगवान राम बैठेंगे और बंदर लोग सबके सब पत्थर ला रहे हैं और श्री हनुमत लाल जी उसमें प्रभु राम का नाम को लिख करके जब समुद्र में छोड़ रहे थे, वो पत्थर भी तैर रहा था, वो पत्थर तैर रहा था, पत्थर तो तैर रहा था लेकिन अभी सीमेंट कैसे लगेगा, इसलिए एक पत्थर के ऊपर में राम और दूसरे पत्थर पर माँ, चाहे राम और माँ लिखते थे वो सीमेंट का काम कर रहा, वो जैन हो रहा, वो जुड़ रहा था। भगवान राम बैठ बैठ कर देख रहे थे, बोले बाबा जी मेरे नाम में इतने शक्ति, मेरे नाम को लिख करके पानी में छोड़ रहे तो पानी को ऊपर में पत्थर भी तैर रहा है, उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। भगवान राम ने सोचा देखो मैं जितने कथा सुना रहा था ऐसे नहीं बैठ बैठ कर सुन लो, ये कथा को सुन करके फिर दूसरों को सुनाना, सुना होगा ना फिर तुम्हारी याद रहेगा, नहीं तो कभी याद नहीं रहेगा। जैसे जिंदगी भर सुनते रहोगे जब बोलने का नंबर आता है ना सब भूल जाते हो, इसलिए ये कथा को नोट करनी चाहिए। कहीं अगर तुम्हें बोलो भगवान दुनिया बात तो दिन भर बोलते रहते हैं, इसलिए दुनियादारी बात को नहीं बोल करके श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आना कथा ना कही में, आना कथा ना बोली में जति मिली में आने, मतलब है जब किसी दूसरे से मिलो ऐसे नहीं तेरे बेटा क्या कर रही थी, बेटी क्या कर रही थी, बहू क्या कर रही थी, तेरे घर में खाना क्या बनी, नाती क्या, देखो ना सारा दुनिया बात आरंभ हो जाए ना घंटे घंटे तक खत्म नहीं होता। नहीं भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं दुनिया की बात मत करो, दुनिया की बात मत करो। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये संत संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर है कोबरा, सत्संगत पार्वती बड़ी दुर्लभ है, अति हरि कृपा जा पर वही पाप दही या संगत सोई, उनको ही ये सत्संग मिलती है जिसको पर भगवान की कोई कृपा हो तभी मिलती है। इतने में पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप इतने सत्संग 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 की महिमा बता रहे हो, ये सत्संग की महिमा का फल क्या है, आप बता रहे हो सत्संग सत्संग करो सत्संग करो इसका फल क्या है। शंकर जी कहते पार्वती बोले मन जन ला देख शंकर जी कहते पार्वती सत्संग रूपी गंगा में अगर स्नान करो, भागवत बढ़िया चुप करके, इसलिए अगर सत्संग रूपी गंगा में अगर कोई गोता लगाएगा ना कहते गोता लगाने का साथ साथ उसको फल मिल जाती है। बोले क्या फल मिलता है, बोले काक होई पी का और बकौ बराना, जो कौवा है ना कौवा नहीं रह जाएगा वो बन जाएगा कोयल बन जाएगी। कौवा देखे देखे हो कौवा बताओ तो कौवा का रंग कैसे काला है, कोयल देखे हो देखे हो कोयल का रंग कैसे नहीं काला है, लेकिन दोनों का रंग तो काला है लेकिन उनको जो आवाज है ना भरक है। कौवा अगर बैठ कर का 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 कर लग जाए ना तो ना का दर्द हो जाए का दर्द, बोले कब से बैठ कर का का का, लेकिन बसंत ऋषि में जब कोयल घूमती कितने मीठी आवाज उसकी इतने मीठी आवाज उसकी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती वो कौवा नहीं रह जाता वो कोयल बन जाता है। बोले मतलब क्या है, बोले मतलब है
जैसे कौआ का 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 करता है ना, ये दुनिया के लोग भी इसे का 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 तक लग जाते। दुनिया की जो बात है ना, कहते कौआ की आवाज़ है, ये कौआ की आवाज़ है। हाँ, संसार की बात छेड़ दो, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, बीवी से दुखी, परिवार से दुखी, बेटा से, बहू से दुखी, दुखी दुनिया की बात दुखी दुखी। लेकिन भगवान का, भगवान की कथा आनंद ही आनंद है। भगवान की कथा आनंद प्रदान करने वाले भगवान की कथा है। इसलिए कहते कौआ नहीं हो कोयल बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए सारी कथा भी याद करना, ठीक है। ऐसे नहीं यहीं छोड़ कर चले जाओ, सबके सब याद करना, दूसरों को भूलना, ठीक है। इसलिए बोले राधा रमण लाल की, हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अभी भगवान राम ने देखा, बड़ा आश्चर्य है, मेरे नाम को पत्थर के ऊपर में लिख करके पानी को ऊपर में धर देते तो पानी में भी पत्थर तैर रहा है। भगवान राम ने सोचा मैं स्वयं एक पत्थर उठा करके फेंक करके देखता हूँ कि डूबता ना तैरता है। बोले अगर सबके सामने अगर फेंकू तो अगर डूब गया तो फिर क्या होगा, मेरे नाक का कट जाए। बोले हम भगवान के नाम को लिख करके पानी में छोड़ते हैं वो तैरता है, बस स्वयं भगवान राम पत्थर को फेंके तो पत्थर डूब गया, कर तुम्हारी बदनामी हुई। इसलिए उनने सोचा वो अंदर में फेंकते, वो पानी में फेंकते ही वो तो पत्थर डूब गया। उन्होंने और एक पत्थर उठाया उसको भी पानी में फेंके वो भी डूब गया। भगवान को ये क्या हो रहा, मैं स्वयं राम ये पानी में पत्थर फेंकता हूँ डूबते हुए क्यों जा रहा है। इतने में हनुमान जी ने देखा प्रभु राम देखा, कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोले भैया प्रभु राम गए कहाँ, प्रभु राम कहाँ गए। देखा बच्चे जैसे पत्थर उठा करके पानी में फेंकते हैं, भगवान बच्चे जैसे पत्थर को पानी में फेंक रहे। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो। भगवान राम सोच रहे तो कोई देख नहीं रहा था, जब हनुमान जी देख लिया भगवान राम, ले तू कहाँ से आ गया। बोले प्रभु आपके बगैर तो रह ही नहीं सकता। बोले प्रभु ये बताओ आप बच्चे जैसे पानी में पत्थर क्यों फेंक रहे। बोले हनुमान जी मेरे मन में बड़ा शंका आ गया। बोले आपकी मन में। बोले हाँ। बोले क्या है। बोले तुम लोग मेरे नाम को पत्थर को पर लिख करके पानी में फेंकता हुए तैर रहा है, मैं स्वयं राम पत्थर उठा करके पानी में फेंक रहा हूँ वो डूबते जा रहा है, इसका रहस्य मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोले प्रभु ये तो सीधी सी बात है, वो पत्थर क्यों तैर रहा है, चूंकि उसने आपका नाम की सहारा लिया है, आपका नाम की उसने सहारा लिया है। इसलिए कहते हैं ना हो गए भव से बाल लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीनहीनता पूरे कर्म में सदा लीनता, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। तो तेरे नाम को लेकर सबके सब जीव संसार से पार हो हो चुके, आपका नाम का आश्रय दिया है। बोले और आप पत्थर उठाकर फेंकने पर डूब जाती है क्यों। बोले प्रभु कोई चीज को उठाओ और उसे फेंको, फेंकना मतलब क्या, उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना। बोले प्रभु जगत में से कौन सा व्यक्ति हो आप जिसको उठा करके आप फेंक दोगे, आप उसको त्याग दे दोगे। प्रभु को कभी तैर सकता है, वो कभी तैर सकता है, वो तो डूब ही जाएगा। यही बात बता, यही बात। इसलिए बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोले भगवान के नाम संकीर्तन से क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रणाम दुख संधनम स्तम नमामि हरि परम। भगवान का जो नाम ही कहते क्या करता है, सारे पाप को नष्ट करके एक दिन भगवत प्रेम भगवत भक्ति को दिला देता है, भगवत भक्ति को भगवत नाम प्रदान करता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी वो पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं
करके सुनो, हरिनाम करने का कितना महिमा है। कि जब किसी जगत में कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करना शुरू कर दे, भगवान नाम जप करने का शुरू कर दे, सबके सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण जोर से बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, और एक बार जोर कर बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कि जब इसी जगत में कोई व्यक्ति भगवान के नाम जप करना शुरू कर दे, कि तो उसको तीन काम होना प्रारंभ हो जाता है। उसको कितना काम हो जाता है, बोले तीन काम उसको होना शुरू हो जाता है। बोले तीन काम क्या है, बोले पहला काम है श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बोलते हैं, बोले रजिस्टर से उसका नाम को काट दो, रजिस्टर से उसका नाम काट दो। मतलब क्या, अभी वो व्यक्ति नरक कभी नहीं जाएगा, नरक कभी नहीं जाएगा। बोले दूसरा काम क्या, बोले ब्रह्मा जी अपना थाली सजा करके, आरती सजा करके थाली को प्रस्तुत करके रखते हैं। बोले क्यों, बोले जब कोई भगवान के नाम जप करता है, कहते भूर भुव मोह जन तप, सब लोगों को पार करते करते गोलोक वृंदावन में जाएगा। जब वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन में जाएगा, हम उसका आरती उतारेंगे, उसका हम आरती उतारेंगे। बोले तीसरा काम क्या है, बोले श्री राधा रानी अपना रजिस्टर में उनका नाम को राधा रानी लिख देते नीचे। बोले आज से ये हमारी सखी बनने वाली, ये हमारी सखी बनने वाली, बोले इसका नाम तो बोले रजिस्टर में लिख दो, क्या बनेगी, ये मेरी सखी बन करके ये बोलो वृंदावन में आने वाली। ऐसे ये नाम की महिमा, इसलिए श्री भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते, बोले माँ जो व्यक्ति भगवत नाम उच्चारण करते हैं, बोले अहोवत सपोच अतो बरियान जत्र जिहाग्रत नाम तुभ्यम। इसलिए भगवान स्वयं अपना माँ को कहते हैं, जो व्यक्ति हरि नाम ग्रहण करते, बोले अहो, अहो मतलब क्या है, जैसे कोई आश्चर्य चीज हम देखते हैं ना, जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना, अरे ये क्या है, हाँ जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो मतलब आश्चर्य की बात है, हाँ बड़े आश्चर्य की बात, क्या आश्चर्य की बात, बोले जब जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, बोले जिह्वा की अग्र मतलब जिह्वा की अग्र में जिसका नाम उच्चारण करता है, हैं संपूर्ण जिह्वा में नहीं, संपूर्ण जिह्वा में नाम नहीं, समझ रहे कि नहीं, जिह्वा का जो अग्र देश में जो भगवत नाम को उच्चारण करता है, फिर क्या समझो, बोले ये समझो उसने पूर्व जन्म में चार काम कर दिया है। कितने काम कर दिया है, चार काम, इसको याद रखना। देखूंगा कल मन कौन बोलता है, पहले जीवन में क्या चार काम कर गया है, बोले समझो जितने तपस्या पूर्व जन्म में उसने कर चुका है, सारी तपस्या कर चुका है। दूसरा काम क्या, पूर्व जन्म में सारी यज्ञ उसने कर चुका है। तीसरा काम क्या, पूर्व जन्म में जितने सारे तीर्थ है पृथ्वी में, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या द्वारावती हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गया गंगा प्रभास, ये जितने रामेश्वर सतुबद्ध हैं और श्री केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री और जितने धाम हैं पृथ्वी में, जितने धाम हैं समझो उसने सारे धाम को उसने पहले जीवन में सारे धाम दर्शन कर चुका है। तो चौथा क्या है, बोले पूर्व जन्म में उसने सारे दान पुण्य कर चुका है, सोने चांदी घर दुकान मकान पूर्व जन्म में उसने सारे दान पूर्व जन्म में कर चुका है, तब भी इसी जीवन में संपूर्ण जीवा नहीं जीवा के अग्र दिशा में क्या कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो जोर करके, समझो उसने पूर्व जन्म में वो सारे पुण्य कर्म करके दिया। तब यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, बोले भैया जिसकी केवल एक जीवा की अग्र में ठाकुर का नाम ऊंचा न हो तब वो उतने पुण्यात्मा, लेकिन जिसका संपूर्ण जीवा भगवान का नाम कर रहा, जिसका संपूर्ण जीवा में भगवत नाम ऊंचा न कर रहा है, समझो तो उसकी महिमा तो तुम बता ही नहीं सकते, वो कितने बड़े महापुण्यात्मा है। बोले भैया जो व्यक्ति जीवा में कीर्तन करता है लेकिन कानों में भी भगवान की कथा सुन रहा है वो कितने बड़ा पुण्यात्मा, बोले तो उसका पुण्य और ज्यादा है। बोले जो व्यक्ति इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन करता है, बोले तो वो तो और भी भाग्यवान है, वो भी और भी भाग्यवान है। बोले भैया जो व्यक्ति अपना घर से लेकर के ये मंदिर तक, घर से लेकर के ये मंदिर तक सत्संग में आता है और भगवान का दर्शन करता है, बोलते भैया वो तो और भाग्यवान, वो भी और भाग्यवान। लेकिन जो व्यक्ति इन्हीं दोनों हाथों से ठाकुर जी की सेवा करता है, बोले भैया उसका भाग्य की तो महिमा बता ही नहीं सकते। बोले अगर कोई व्यक्ति हृदय से भगवान को स्मरण करते हैं, बोले भैया वो तो और ज्यादा पुण्यात्मा, और भी ज्यादा पुण्यात्मा है। मतलब है इसके भगवान कहते ना, बहु नाम जन्म नामान्ते ज्ञानवानं मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभ। इसलिए बहु नाम जन्म नामान्ते, करोड़ करोड़ जन्म की पुण्य से कोई व्यक्ति भगवत भजन करते हैं, साधारण व्यक्ति भगवत भजन में नहीं करते हैं, बहुत पुण्यात्मा ही भगवत भजन करते हैं, उनकी ही भगवत नाम में उनकी ही रुचि होती है, सभी को भगवत नाम में रुचि नहीं होती है। इसलिए भगवत नाम की इतनी महिमा स्वयं भगवान, नाम की महिमा ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, ठाकुर जी के नाम की इतने महिमा है। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथों को बताया ये नाम पुराण है, भागवत का एक नाम है ये नाम पुराण। नाम पुराण मतलब क्या, बोले भागवत में जितने भगवत नाम की महिमा बताई गई और कहीं भी आपको उतना भगवत नाम की महिमा कहीं सुनने का आपको नहीं मिलेगी। इसलिए उसमें जैसे अजामिल का नाम सुना कि अजामिल का, उसने भगवान को भगवान को उसने बुलाया नहीं, उसने छोटा बेटा का नाम कैसे नारायण रख लिया था, सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, अब दिन भर नारायण इधर आ जा, नारायण तू कहाँ हो, नारायण पानी ले आ, नारायण मेरे गोद में आ जा, हैं अभी दिन रात नारायण 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 करता है, लेकिन अंतिम समय में जमदूत आए, तीन जमदूत आए। बोले क्यों, बोले हम लोग जो कर्म करते हैं काय मन और वाणी तीनों में हम कर्म करते हैं, इसलिए अंतिम समय में तीन जमदूत आते हैं। इसलिए जब तीन जमदूत बड़े भयंकर रूप था, जब उन्होंने उसकी गला में काल फांस को लगा करके उसको खींचने के लिए चाहा, इतने में उसको रूप देख करके भयभीत होकर के बच्चे को उसने दूर से देखा, तो इतने उसने जोर से बोला बेटा नारायण, कितना खैर हुआ है नारायण, कितना खैर हुआ बोलो, कितना खैर हुआ नारायण, कितना खैर हुआ, चार खैर। इतने में एक तरफ से तीन जमदूत, दूसरे तरफ में चार विष्णुदूत आ गए, बोले माँ भयो माँ भयो, डरने का कोई बात नहीं, हम तुम्हें रक्षा करेंगे। अभी जो जमदूत जो उसको ले जा रहे थे पकड़ करके काल फांस लगा करके, इतने में जब देखा चमचमाते हुए बड़ी सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करते हुए शंख चक्र गदा पर क्या तेज सर हुए, हाँ एकदम नवकिशोर रूप में अद्भुत सुंदर थे दिखने। इसलिए वैकुंठ में जितने भगवान की परिकर है ना, वो देखने भगवान जैसे ठाकुर जैसे हैं, वो
वो ठाकुर नारायण जैसे एकदम नवकिशोर नटवर जैसे बड़े सुंदर चमचमात हुए प्रकट हो गए। वो तो देख करके बोले भैया ये कहाँ से आ गए इतने सुंदर कहाँ से आ गए। अभी उसको जो ले जा रहे थे ना कठत बंद हो गया, बंद हो गया, दोनों में शास्त्रार्थ होने लग गया, दोनों में शास्त्रार्थ होने लग गया। जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे और विष्णुदूत कहते हैं हम उसको रख ले जाएंगे। दोनों में घमासान लड़ाई हुई, बड़े शास्त्रार्थ हुआ दोनों का अंदर, बड़ी शास्त्रार्थ हुई। अभी वो सुन रहा था क्या आपस में क्या चर्चा कर रहे, वो सुन रहा था। हाँ कल मेरे को आप लोग को सुनाना ठीक है। इन दोनों में जो डिस्कशन हो रहा है ना अद्भुत डिस्कशन इनके अंदर, भगवत नाम में कितने शक्ति, अगर किसी तरह से अगर प्रभु का नाम निकल जाए देखो इसमें कितने शक्ति है। इसलिए देखना पहले पहले सब बच्चे का नाम भगवान का नाम पर धराए कर देते, देखना पहले बच्चों का नाम पूछो कृष्ण गोविंद दामोदर राम सब ऐसे ऐसे नाम, लड़कियों का नाम भी देखो गीता सीता है लक्ष्मी सब ऐसे दुर्गा ऐसे सब भगवान के नाम, जितने माताओं का नाम भी भगवान के नाम और जितने भाई लोगों का नाम भी सब भगवत नाम। बोले क्यों देखो इसका कारण क्या, क्यों ये नाम रखा करते थे। अभी जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हम ले जाएंगे। विष्णुदूत प्रश्न करते भैया तुम लोग कौन हो, धर्म राजा का दूत है। बोले धर्म का पर अधर्म करने जा रहे हो, बोले क्या अधर्म है क्या अधर्म है, बोले इसको लेने के लिए क्यों आए। जमदूत कहते हैं आपको बताइए कौन है, आपको बताइए कौन है, ये पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, फिर अपना ब्राह्मणी को त्याग दिया, फिर एक शूद्रानी वैश्या को साथ में रहा और उसको हाथों में अमृत कुमृत सब कुछ भोजन किया, सारी गंदी चीजें उसने खाए, फिर 10 बेटे हुए, बच्चों को पालन करने के लिए चोरी गुंडा गिरती दूसरे घर में आग लगाना जितने तरह का उसने कुकर्म किया जिंदगी भर है, इसलिए वो सीधा नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया मुझे पुण्य भी कर दिया है। बोले क्या पुण्य किया, बोले अभी जो भगवान का नाम लिया। बोले वाह जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरने से पहले एक बार प्रभु का नाम लो, बस इससे हो गया सब कुछ, इससे सब कुछ हो गया। तब श्री विष्णु दूत कहते हैं बोले मूर्ख हो तुम्हें क्या पता भगवत नाम में क्या शक्ति है। उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे कि रुई का ढेर हो नहीं तो भूस का एक ढेर हो, अगर उसमें एक आग की चिंगारी बढ़ जाए, एक आग की चिंगारी बढ़ जाए देखना सारे रुई को जला करके भस्म कर देता है, सारे भूस का ढेर को जला करके वो राख कर देता है। पेट्रोल में कहीं एक आग की चिंगारी पेट्रोल में पड़ जाए देखना क्या करता है, सारा दुनिया को तो भस्म कर देगा। इतने शक्ति एक आग की चिंगारी में इतनी शक्ति, और भगवत नाम में शक्ति नहीं। इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जिस सागर को लग सके ना बिना ही पुल के राम, श्री राधे राधे कूद गए हनुमान शिव का लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान नाम को लंका जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ी, हनुमान की जरूरत पड़ी, हनुमान पास प्रभु का राम का नाम लिया और उन्हें सीधा चले गए कहा लंका है और लंका को जला करके राम को दिखा गया हनुमान जी। इसलिए विष्णुदूत ने कहा भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। तब उन्होंने बोले देखो जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसी समय उसका सारे पाप खत्म हो गया था। फिर देखना बच्चों को बार बार बोलते ना बेटा इधर आ जा बेटा इधर आ जा इधर आ जा बेटा इधर बोलते ना, ना उसने जो बारंबार उसने नारायण नारायण आप नारायण दूध पी नारायण खाना खा जा नारायण गोद में आ, ये क्या हो गया। जैसे माला में हम नाम जब
माला में जो नाम जप करते हैं, ये हो गया माला में नाम जप करना हो गया है। कहते जो अंतिम समय में उसने जो भगवान नाम को लिया है, है? जो नाम लिया वह किसकी विशेष कृपा है। अंतिम समय में जो ठाकुर का नाम लिया ये भगवान की विशेष कृपा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जनमा जनमा मोनि जत न कराई अंतराम कहिया बदनाई। इसका दो अर्थ है, उसको ध्यान देते सुनना, मैं कल सुनूंगा इसका क्या दो अर्थ है। देखो इसमें दो अर्थ है, कहते जन्म जन्म मुनि जतन करे, कहते मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतराम कहीं आवत नहीं, अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं आता है, ठाकुर का नाम नहीं आता है। हमने खुद देखा, गुरु जी को साथ में अस्पताल गया था, एक माता जी अंतिम बेड में सोई हुई थी, है? अंतिम सज्जा में उसको गुरुदेव को बुला करके ले गए, मैं गुरु जी को साथ में गया था। तब उसको बच्चे लोग बोल रहे थे माता जी थोड़े राम राम राधे राधे बोल रहे, लेकिन उसको मुंह से नहीं निकल रहा था। वो बोल रहा था बेटी को हर साल में जो कितना कपड़ा लता दे देना, बेटे के लिए ये कर देना, वो बेटे को ये संपत्ति देना, सारी दुनिया की बात बोल रहे थे, लेकिन उसको मुंह से राम का नाम कृष्ण नाम नहीं निकल रहा था। तब उसको बच्चे लोग कह रहे थे, बोले माता जी कोई चिंता मत करो, सब काम हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हारी अंतिम समय थोड़ी राम नाम कृष्ण नाम तो ले लो। बोले मैं इतना नहीं बोल सकती, देखो मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ, 10 बात बोल दिया लेकिन राम राधे तो अक्षर नहीं निकला। लेकिन उसका जो पोते थे ना बड़े चतुर थे, उतने बोले दादी जी तुम क्या नहीं बोल सकती हो, वो तो कम से कम इतना तो बोलेगी राम नाम राधे राधे नहीं बोल सकती। उसने कहा जो कुछ तुम लोग मेरे जीवा से जो बुलवाना चाहते ना मैं वही नहीं बोल सकती, और सारी बात मैं बोल सकती। मतलब जो भगवान का जो नाम है देखना, दुनिया के लोग भी बैठ करके सारा दुनिया की बात बकवास बकवास करते रहे, बोले कोई अच्छा ठाकुर का नाम नहीं मुँह से निकलेगा क्योंकि है। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कभी ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतराम कहीं आवत नहीं, अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं निकलती। ये एक अर्थ है, देखो इसका दूसरा अर्थ समझो, कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं, इसका दूसरा अर्थ है। कोई कहते हैं ना अरे मरने से पहले एक बार प्रभु का नाम ले लेंगे, अभी से इसको हरे कृष्ण बोलने का क्या जरूरत है, अभी से क्यों करेंगे, मरने से पहले तो राम राम कृष्ण कृष्ण बोल देंगे। तब कहते नहीं, बोले जनम जनम मोनि जत न कराई। मुनि लोग क्यों जन्म जन्मांतर तक जतन क्यों करते हैं, देखना एक बेटा जिसे सीए करता है, डॉक्टर भी बढ़ता है, इंजीनियरिंग करना है, कितना साल लगता है बताओ, कितना साल इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने के लगता है, 25 साल उसको पढ़ाई करना पड़ता है, कितना साल 25 साल तक पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम हो ना, जब एग्जाम हो वो एक दिन ही एग्जाम होता है, लेकिन जो 25 साल तक उसने पढ़ाई किया, अगर एक दिन जो एग्जाम में अगर पास हो गया ना, बस बढ़िया लोग इंजीनियर डॉक्टर नहीं तो सीए बन गया, लेकिन वो सीए बनने के लिए कितना साल उसको पढ़ने के लिए जरूरत पड़ा, 25 साल तक उसको पढ़ाई करना पड़ा है। केवल एग्जाम 2-3 घंटा की है, केवल ये 2-3 घंटा के लिए उसको कितना साल 25 साल तक पढ़ाई करना पड़ा, फिर पास 1-2-3 घंटा एग्जाम दे के पास हो। आप देखना जब उनकी हार दिया नहीं तो तबला बजा देना, जब उनको कंपटीशन पर उसका नौकरी मिलता है वो तो सीखता है 10-10 साल से प्रैक्टिस करता है, लेकिन जो उसका एग्जाम होता है ना केवल 10 मिनट उसको बजाना, नहीं तो 5 मिनट उसको बजाना पड़ता है, केवल 5-10 मिनट उसको बजाना पड़ता है। अगर उसमें अगर वो पास हो गया तो पास नौकरी मिल जाती है उसको, लेकिन उसके लिए कितना साल उसको प्रैक्टिस करना पड़ा, 10 साल तक लगातार उसको प्रैक्टिस करना पड़ा। कहते उसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं बल अंतराम कही, बल अंतिम समय में तुम्हारी मुंह में भगवत नाम कैसे आएगा,
बोले जनमा मोनि जत ना कराई। अगर जिंदगी भर अगर तुमने प्रैक्टिस अगर किया तो देखना अंतिम समय में वही चीज निकलेगा। अभी रील में जो भरा हुआ वही तो निकलेगा ना। अगर रील में अगर जिंदगी भर कचरे को भर दिए फिर अंतिम समय बढ़िया चीज निकलेगा किसी बता। जिंदगी भर तो हृदय में कचरे को भर दिया जिंदगी भर, अब तुम सोचते हो अंतिम समय में भगवत नाम ले लिया, नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अधुर्वम अर्हतम। बोले बच्चों भक्ति 5 साल से करनी चाहिए। कितने साल से? बोले 5 साल से भक्ति करनी चाहिए। बच्चों ने कहा प्रहलाद हमने सुना रिटायर्ड लाइफ में भजन करते हैं, रिटायर्ड लाइफ में जब सारे काम धंधा हो गए हैं, सारे काम खत्म हो गया, शादीशुदा करके बच्चों को जन्म देकर के लिखाई पढ़ाई करके उनको शादीशुदा करके जब कोई काम का नहीं रह जाए रिटायर लाइफ में भजन करते हैं, तो अभी क्यों कह रहे हो भजन करने के लिए हैं? हम तो सर रिटायर्ड लाइफ। प्रहलाद ने कहा भैया सरकार रिटायर क्यों करता है, क्यों रिटायर बोल करता है, जब देखता है ये 8 घंटा 10 घंटा बैठ कर कोई काम नहीं कर सकता है, इसके इतने जान में शक्ति नहीं है। बोले भैया जो कुछ हो गया तेरा हो गया, घर में जाओ या घर में वापस जाओ, अभी तुमसे कुछ होने वाले नहीं। जब साधारण काम से तुमको निकाल दिया अगर भक्ति कैसे करो? फूल जब खिला हुआ रहता है ना वो ठाकुर जी के चरण में चढ़ता है, जब मुरझा जाए वो नहीं चढ़ता है। मिट्टी जब कच्चा होना, कच्चे मिट्टी में कुछ बन सकती है, पक्के मिट्टी में कुछ नहीं बनेगा हैं। इसलिए पौधा जब छोटा हो कहीं वो बो दो ऊपर जम जाती है, लेकिन जड़ अगर ज्यादा नीचे चले जाए ना उखाड़ करके और वो जम नहीं सकती, वो जम नहीं सकते हैं। इसलिए प्रहलाद ने कहा बच्चों भक्ति 5 साल उम्र से करनी चाहिए। फिर बच्चों ने कहा बोले 5 साल से क्यों, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे, अभी से क्यों? प्रहलाद ने कहा तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है इतना साल जिंदा रहोगे? हमने जो श्वास छोड़े ही दूसरे श्वास ले पाएंगे, कोई बोल सकता है दूसरे श्वास ले पाएंगे? यहाँ से घर तक जाकर ठीक से पहुंचे कोई बोल सकता है? नहीं। बोले बीच में अगर राम नाम सत्य हो गया तो? बोले नहीं तो अगले जीवन में फिर करेंगे भक्ति। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये मानव शरीर 84 लाख जन्म के बाद मिलता है, भगवान बारम्बार ये शरीर नहीं देते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं फिर अंतर राम कही, तब भी जाकर के अंतिम समय में राम का नाम आएगा। नहीं तो जिंदगी में जो करोगे ना वही तो निकलेगा ना। जिंदगी भर रेल में जो भरा होगा तो वही निकलेगा, जिंदगी भर तो कचरे पर और सोचोगे अंतिम समय में तो उनका नाम ले, नहीं। इसलिए कहते अंतर राम कहीं, तभी अंतिम समय में राम निकलेगा। फिर राम निकलेगा तो क्या होगा? पहले आपत नाय, फिर संसार में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर श्री विष्णुदत्त कहते हैं उसने जब बेटा का नाम नारायण रखते ही उसको सारे पाप नष्ट हो गया था, जब उसने बारंबार बेटे को बुलाया ये हो गया जैसे मंत्र जैसे माला जप करते हैं, लेकिन अंतिम समय जो प्रभु का नाम लिया विशेष कृपा। फिर जब तू फिर तर्क देते हैं बोले उसने भगवान को कब बुलाया, उसने भगवान को कब बुलाया? वो तो अपना बेटे को बुला रहा था। नारायण किसको बुलाया था? किसको बुलाया था? बेटे को बुलाया था, वो भगवान का नाम नहीं बुलाया था। ये जब तू जिसका तर्क दे रहे, फिर विष्णु तर्क देते हैं बोले देखो जो भगवान का नाम है वो 4 तरह से कल्याण करता है। कितने तरह से? 4 तरह से। आज जो मैं कथा सुना रहा हूँ थोड़ी थोड़ी याद रखना, मैं देखूंगा कल मेरे को थोड़ी थोड़ी और बोल पाता है, ठीक है ना? कोशिश करना ऐसे सुना जैसे थोड़ी थोड़ी याद रहे, ठीक है ना? थोड़ी थोड़ी जैसे याद रहे। तब उन्होंने बोले देखो भगवान का नाम 4 तरह से जीव का कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे? बोले सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलन नमः वैकुंठ नाम ग्रहणम
अशेष अगहर हैं। जब भगवान के नाम इतने शक्ति अशेष अगहरम, बोले एक जन्म नहीं करोड़ जन्म का जो पाप हो भगवत नाम समाप्त कर देता है, भगवत नाम उसका समाप्त कर देता है। इतने शक्ति प्रभु के नाम में, बोले कैसे, बोले संकेत्यम। संकेत्यम का मतलब होता है इशारा करके, जैसे बेटा का नाम नारायण कृष्ण गोविंद रख लिया, इशारा करके बोले बेटा नारायण इधर आ जा, कृष्ण तू कहाँ हो है, बोले नारायण तू कहाँ हो, कान्हा तू कहाँ हो, वो जो बार बार बुलाते ना, ये हो गया संकेत, मतलब ये संकेत इशारा करके, इसको द्वारा जीव का कल्याण होता है। तो गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाते, अब ध्यान देकर सब स्टोरी सुनो, वो कथा सुनाते थे, बोले एक समय, अब पहले देखना सब जंगली जंगल होता था, पहले सारे इतने मकान तो पहले सब जंगल होता था, सबके सब चार तरफ में जंगल होता था, लोग जब जाते थे जंगल पार करते हुए जाते थे, इसलिए अभी एक जंगल में पांच चोर रहते थे, और वो कैसे डाकू डालते थे, चोरी कैसे करते थे, भगवान के नाम को इशारा करते। पहले जो चोर खड़ा होता था है, आप देखना भारत में अगर कोई ठाकुर का थोड़ा नाम लेना, पर भैया ये भगत आदमी, ये अन्य भगत आदमी, ये लेकिन ये भगवान का नाम को इशारा करके चोरी करते थे। जो पहला आदमी जंगल का पहले खड़े होता था, जब एक व्यक्ति को देखता था दूर से आए ना, वो दूसरे व्यक्ति को इशारा करता नारायण नारायण, वो दूसरा जो आ रहा है जो व्यक्ति, अगर कोई नारायण बोले भैया ये भगत आदमी अच्छा है, लेकिन नारायण का मतलब तो भगवान नारायण, नारायण मतलब क्या, नर मतलब जितने इंसान, अयन मतलब सारे जीव का जो आश्रय है, कौन है सारे जीव का आश्रय, भगवान है। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव स्वयं विद्या द्रविण तुमेव तुमेव सर्व मम देव। इसलिए भगवान सब जीव का आश्रय है, हम एक पिता की सबके सब संतान है, इसलिए वो बोलता था नारायण नारायण, लेकिन उसका दूसरा अर्थ वो चोरियों को क्या लगाते थे, नर अयन, नर मतलब होता है इंसान, अयन मतलब होता है एक व्यक्ति आ रहा है, उसको इंगित कर दिया सावधान हो जा है, सावधान हो जाए कि व्यक्ति आ रहा है, वो सोचता था अच्छा आदमी नारायण, लेकिन जब और थोड़ी दूर जाता था ना, वो देखता था कि आदमी चालाक चतुर ना, थोड़ी सी चालाक चतुर ना, थोड़ी सी भोले वाले, दूसरा व्यक्ति बोलता था गोपाल गोपाल, गोपाल मतलब होता है गैया को जो पालन करने वाले, कृष्ण का नाम गोपाल गैया चरा करते, लेकिन गोपाल कहते हैं जो गैया चराने वाले मतलब कि थोड़ी सी देखो भूल गए हैं, इसका इतना बुद्धि इतना नहीं है, इतना चालाक चतुर नहीं, वो बोलता था मतलब चोरी करने में बढ़िया रहेगा, वो इसको किसी गोपाल गोपाल। अभी जब तीसरे व्यक्ति को पास, बोले राधा रमण लाल की, जब वो तीसरे व्यक्ति को पास में पहुंचते थे, वो तीसरा व्यक्ति बोलता था दामोदर दामोदर, अब जानते हो दामोदर मतलब क्या, इसलिए मैया जसोदा कृष्ण जब मथन चुरी थी उनको कमर को उन्होंने दाम मतलब रज्जु में बांध दी, जैसे दाम उदर उदर मतलब पेट में रस्सी में पेट में उखल में बांध दी थी, इसलिए कृष्ण का नाम दामोदर। लेकिन दामोदर का दूसरा अर्थ क्या, हम कहते ना चपड़ी और दमड़ी, हम कहते ना चपड़ी और दमड़ी, इसलिए दमड़ी मतलब दाम मतलब था पैसा, दाम मतलब था पैसा, दामोदर मतलब है भैया इसको पास में पैसा, उधर मतलब कमर में भैया माल है इसके पास, दाम मतलब पैसा, इसलिए उधर मतलब कमर में इसकी पैसा है। लेकिन वो तो सोचता था भैया बड़े भगत है दामोदर दामोदर। जब चौथा व्यक्ति को पास में पहुँचता था, वो बोलता था वासुदेव वासुदेव वसुदेव का बेटा वासुदेव, लेकिन वो वासुदेव मतलब है बांस लाओ और पिटाई करो, बांस लाओ उसको पिटाई करना शुरू कर दो है। जब पंचवा व्यक्ति को पास में पहुंचे, बोले हरी 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 मतलब सब कुछ हड़प लो, से पास में जितने मार बसला सब हड़प लो। वो लोग ठाकुर का नाम को इशारा करते करते चोरी करते थे। एक दिन हरी हरी दामोदर दामोदर कर रहा था, आकाश में बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, उसी समय में इतने जोर से वज्रपात हुई, वज्र गिरा, वो वज्र गिरते ही पांच को पांच में खत्म,
लेकिन चूंकि अंतिम समय में दामोदर कृष्ण नारायण बोल रहे थे, भगवत नाम ले रहे थे, उसी से उनको भगवत प्राप्ति, उसी से उनको मुक्ति मिली है। इसलिए एक कहते सांकेत्यम, अगर इस तरह करेगा, अगर बेटा का नाम भी भगवत नाम रख लिया, लेकिन अब युग ऐसा आ गया ना, हम बच्चों का नाम भगवान का नाम रख नहीं करवाते। बोले नहीं, बच्चों का हम अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, टिन्नू गुल्लू रिंकी पिंकी और जितने सारे विदेश में सब कुत्ते हैं ना, सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम करवा दें। लेकिन आप बेटा मैंने भेजा अंग्रेजी, अंग्रेजी हमारे मंदिर में देखो, अंग्रेजी बच्चों को पूछो क्या नाम है, छोटे छोटे बच्चे का अंग्रेजी बच्चे कृष्णा गोविंद अंग्रेजी, अभी अंग्रेजी लोग हमारी शिक्षा को ले रहे हैं और बच्चों का नाम भगवान का नाम पर धरा रहे, और हम क्या कर रहे हैं, सारे अंग्रेजी को शिक्षा को लेकर बच्चों का नाम टुल्लू बुल्लू टिंकी रिंकी बात जितने सब उल्टा उल्टा, नहीं ये सब नाम नहीं रखनी चाहिए। नाम रखो तो किसका नाम रखो, हम कहते गुड मॉर्निंग, लेकिन आप वृंदावन में जाओ, उसको आप वृंदावन में जाओ देखो, और बच्चे को गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन में जाओ और राधे राधे से बोलो, विदेश लोग भी राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, शायद थोड़ी अंग्रेजी भाषा में बोल देना लोग बाबारे बहुत बड़े अंग्रेजी भाषा, लेकिन अभी अंग्रेजी लोग कोशिश कर रहे हैं हिंदी सीखने की, वो अंग्रेजी में बड़े कष्ट कर रहे हैं, भैया हिंदी अगर सीखेंगे तो भागवत गीता पढ़ेंगे, हिंदी अक्षर सीख करके वो कोशिश कर रहे हैं हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन हम किस कोशिश क्या कर रहे हैं, अगर अंग्रेजी में दो बोल दिया ना, बोले बाबा रे बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति, अभी दुनिया में उल्टा हो गया है। इसलिए कहते सांकेत्यम, दूसरा बोले पारिहास्यम, पारिहास्यम का मतलब होता है अगर भगवत नाम परिहास करते करते है, परिहास करते करते अगर प्रभु का नाम ले लिया, उसमें भी जीव का कल्याण हो जाता है, उसमें भी कल्याण, अगर किसी तरह से अरे हरि हरि करके क्या होता है, कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है, एक समय एक नाव थी, कुछ भक्त लोग जा रहे थे, कुछ भक्त लोग जा रहे थे नाव, जाते जाते उसमें और उसमें एक मुसलमान भी बैठा हुआ था, एक मुसलमान बैठा हुआ था और कुछ वैसे लोग बैठे हुए थे, और भक्त लोग देना जहाँ जाते हैं पास वृंदन करता लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वो मुसलमान बैठे तो कुछ नहीं बोल रहा था, वहां पर एक महाराज जी बैठे हुए थे, एक ब्रह्मचारी को बोले, अरे बोलो ना, वो व्यक्ति को बोले हरे कृष्ण बोले, वो तो मुसलमान था, उसको जाकर के बोले हरे कृष्ण बोल, वो तो मुसलमान था, बोले मैं उसको नहीं बोलता, भगवान का नाम है ना, बोले महाराज वो कहता है उसको नहीं बोलता है। महाराज ने बोले भैया उसको पूछो क्या नहीं बोलता है, वो उसको नहीं बोलता है क्या नहीं बोलता है, बोले तुम लोग तो हरे कृष्ण बोलते ना, मैं उसको नहीं बोलता बस, बोले तुम तो हरे कृष्ण बोल ही दिया, तुमने तो हरे कृष्ण बोल ही दिया, बस तुम्हारी कल्याण हो गए, तुम्हारे कल्याण हो गए। इसलिए कहते भगवत नाम को अगर किसी तरह से ले, किसी तरह से भगवत नाम ले तो जीव को प्रभु का नाम जीव का मंगल कर देता है, उसकी सारे पाप से मुक्ति कर देता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जो इस श्लोक में कहते हैं, इसलिए गुरुदेव केवल एक श्लोक की व्याख्या करते थे गुरुदेव, और ये श्लोक में ना सारे शास्त्र का सार इसमें है। क्या श्लोक है, तन्नाम रूप चरिता संकीर्तनानु, है ये जो श्लोक रूप गोस्वामी कहते हैं, पहला हमारी जो निष्ठा है किसमें होनी चाहिए, तन्नाम, पहला हमारी निष्ठा नाम में होनी चाहिए, हरि नाम में निष्ठा होनी चाहिए। बोले क्यों, बोले अभिन्नत्वात् नाम नाम्नि, भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए हमारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए, भगवत नाम। इसलिए सवेरे उठ करके क्या करो,
भगवान के नाम जप करो। इसलिए बगैर ब्रह्म का नाम जप किए बगैर भोजन नहीं करनी चाहिए, कुछ माला करके ही भोजन करो। इसलिए गुरुदेव कहते थे, जब गुरुदेव हमें हरिनाम माला दिया, हरिनाम माला नहीं दी, कृष्ण स्वयं हमें दिया, कृष्ण को दिया। गुरुदेव बोलते थे माला कभी भूखी नहीं रहनी चाहिए। भूखी मतलब क्या, कभी ऐसे नहीं तुमने एक दिन माला जप नहीं। गुरुदेव कहते थे अगर एक दिन भी तुमने माला जप नहीं किया तो, जैसे एक व्यक्ति अगर रात भर सोए, सवेर उठे, अपने स्नान नहीं किया, वस्त्र नहीं बदलाया, भोजन नहीं किया, अब अच्छी लगेगी, अब अच्छी लगेगी नहीं है। इसलिए कहते जब एक दिन माला हमने नहीं जप किया तो भगवान सारा दिन भूखे रहे, भगवान को स्नान तुमने नहीं कराया, भगवान को भोजन नहीं कराया। इसलिए महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेकर के आए, प्रसाद लो, कितना माला करते थे हरिदास ठाकुर, कितना नाम करते थे, 3 लाख, 3 64 64 64 3 बार इतने हरिनाम करके तक पूछ लेते थे। महाप्रभु बोले हरिदास ठाकुर प्रसाद लो, बोले प्रभु आज प्रसाद नहीं ले सकते, बोले क्यों, बोले मैंने जो 20 नंबर हरिनाम करता था आज पूरी माला नहीं हुआ, इसलिए मैं भजन भोजन नहीं करूँगा। महाप्रभु बोले हरिदास तो जिंदगी भर 3 3 लाख हरिनाम चाहते तो बूढ़े हो गए हो, अभी इतना कम तो करो, देखो क्या कहता है। बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है, असुस्त बुद्धिमान, मेरा शरीर तो चलता है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मन है ना प्रभु, ये मन बड़ा दुष्ट है, ये हम से क्या ले रहे हैं, हरिदास ठाकुर के लिए नहीं, वो तो मरने जा रहे हैं, वो शरीर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, हमें शिक्षा देते हैं हमारा शरीर सब कुछ ठीक हो, लेकिन ना सारे काम के लिए हम बैठे रहते हैं, शादी के लिए बैठे रहते हैं, सिनेमा जाने के लिए बैठे रहते हैं, सारे दुनिया के काम के लिए तो बैठे रहते हैं, हरिनाम की बात बताओ ना, पता नहीं ये मन कितने बहाना बना, ये मन कितने बहानेबाजी करता है, अरे ये हो गया, ये हो गया, नहीं, भले ही दूसरे चीज को पीछे रख लो, लेकिन दूसरे चीज भले ही बाद में कर देना, लेकिन हरिनाम पहले करो, क्यों, यही साथ में तुम्हारी अंतिम समय में जाएगा, और सबके सब तुमको यही छोड़ करके जाना पड़ेगा, एक सुई धागा भी हमारे साथ नहीं जाएगी। इसलिए अंतिम समय में बोले कि राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते बोलते ले जाएंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पहला निष्ठा किसी में होनी चाहिए, बोले भगवत नाम में तुम्हारी पहला निष्ठा हो। कहते हैं अगर ये हरिनाम को ठीक ठीक से जप करोगे, इसको द्वारा ही तुम्हें भगवत प्राप्त, भगवत धाम इसी हरिनाम से ही तुम्हें, भगवत इसी हरिनाम से हुए। इसलिए पहला सप्ताह है तन्नामा, अरे कल हम सुनेंगे, उसके बाद में बोले तद्रूप, उसके बाद में भगवान के रूप को ध्यान करो, कल हम इस विषय पर सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
ਕਰੋ ਤਰੀ